तो नमस्कार बालक, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों क्रोम ब्राउज़र जो है सो वर्स्ट ब्राउज़र है। पता नहीं क्यों आज बहुत दिन बाद हमको एहसास हुआ है कि क्रोम बहुत घटिया ब्राउज़र है। तो पहले हम क्रोम यूज़ करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों क्रोम बहुत दिन से स्लो चल रहा था, तो हम स्विच कर गए हैं फायरफॉक्स पे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि क्रोम और फायरफॉक्स में से क्रोम क्यों अभी वर्स्ट चल रहा है। ठीक है, तो अभी चलिए बताते हैं आपको। देख सकते हैं मेरा ये जो एड ब्लॉकर है वो भी ऑफ है। एड ब्लॉकर ऑफ, ये तो नहीं काम करेगा। वीपीएन भी ऑफ है, वीपीएन को हम डिजेबल ही कर देते हैं। एक्सटेंशंस कहाँ गया? वीपीएन, वीपीएन कहाँ है रे? ये रहा, इसको डिजेबल कर देते हैं। और अब एक स्पीड टेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्पीड टेस्ट करते हैं। और स्पीड टेस्ट ओकला के द्वारा जो है, ओकला का स्पीड टेस्ट है। अब इसको स्पीड टेस्ट को करेंगे, देखते हैं कि एक्चुअली में क्या रिजल्ट आता है। स्काई मैक्स ब्रॉडबैंड है मेरा सर्विस, और ये जो भी सर्वर है, ये पता नहीं क्यों हमेशा जब भी हम स्पीड टेस्ट करते हैं तो क्रोम में हमेशा इंटरनेशनल सर्वर ही लेता है। देखिए 226 पिंग है, और स्पीड देखिए 67 Mbps जा रहा है। ठीक है, हम HD वीडियो स्ट्रीम नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों इतना कम स्पीड दे रहा है। 345 Mbps दे रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ है, लेकिन बहुत दिनों से ऐसा दे रहा है। हम मतलब चेंज कर चुके हैं, कई बार रीइंस्टॉल कर चुके हैं क्रोम को, लेकिन यही स्पीड दे रहा है। आज हम बहुत दिन बाद नोटिस किए हैं, क्योंकि अभी अभी हम वीडियो स्ट्रीम करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीडियो जो है सो बेसिकली स्ट्रीम देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये देखिए 35, 36, 37, 38, 40 पर गया, 39 Mbps अपलोड और 4 Mbps डाउनलोड स्पीड। ठीक है, तो ये पता नहीं क्यों हमको लगता है गलती इसके सर्वर का है, बेसिकली जिस सर्वर से कनेक्ट कर रहा है कि वो सर्वर शायद स्लो होगा मेरे इंटरनेट कनेक्शन के मुकाबले। और पता नहीं हो सकता है कुछ और गड़बड़ हो, लेकिन ये स्पीड नहीं दे रहा है एक तरीके से। ठीक है, और यही स्पीड टेस्ट हम आपको फायरफॉक्स पे करके दिखाते हैं। ये फायरफॉक्स है, बेसिकली फायरफॉक्स हम मोस्टली फायरफॉक्स यूज़ करते हैं। हम बेसिकली अभी हमको ये वीडियो बनाने का मकसद मतलब मकसद नहीं मतलब आइडिया मिला, क्योंकि हम वीडियो स्ट्रीम कर रहे थे 1080p पे। हम पहले 4K में लगाए, लेकिन स्ट्रीम नहीं हुआ, मतलब स्ट्रीम कहा गया, हाँ स्ट्रीम नहीं हुआ। तो उसके बाद हम 4K को 1080p कर दिए, फिर भी स्ट्रीम नहीं हुआ। HD किए फिर साला फिर भी लैगिंग कर रहा था, तो इसलिए हमको लगा यार कि स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। उसका स्पीड टेस्ट किया तो पता चला कि बहुत ही स्लो आ रहा है। पता नहीं क्यों क्रोम स्लो चल रहा है, लेकिन स्लो चल रहा है। ठीक है, अब ये स्पीड टेस्ट हम फायरफॉक्स से करते हैं। देखिए इसका एक बात तो है कि फायरफॉक्स जो है सो लोडिंग ऐसा ब्राउज़र है जो लोड होने में पेज टाइम लगता है। ठीक है, और क्रोम ऐसा ब्राउज़र है जो लोड होने में बहुत कम टाइम लगता है। देखिए हम गूगल टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, देखिए कितना जल्दी खुल गया। और उसके बाद फायरफॉक्स में वही गूगल टाइप करेंगे, गूगल ऐसे नहीं, गूगल टाइप करेंगे तो थोड़ा देर लगता है खुलने में। ठीक है ना, तो यही अंतर है थोड़ा। हमको लगता है कि ऐसे लगेगा आपको कि फायरफॉक्स फास्ट है, लेकिन जब स्पीड टेस्ट कीजिएगा, देखिए हम स्पीड टेस्ट करते हैं फायरफॉक्स में। स्पीड टेस्ट किए दोनों सेम ही कंपनी के अथी से स्पीड टेस्ट से किया गया, दोनों ओखला के स्पीड टेस्ट से किया गया है। तो चलिए स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और देखिए इसका स्पीड अब कहाँ तक जाएगा। देखिए देखते रहिए, देखिए 4 सेकंड पिंग है। ठीक है, और ये देखिए 54 Mbps दिखा रहा है, 54 Mbps दिखा रहा है। ठीक है, और कहाँ ये जो है आपको 4 Mbps दिखा रहा था, और ये 39 दिखा रहा है। तो अपलोड देखते हैं इसमें कितना आता है, 53 Mbps अप्रोक्स आया है, और 50 देखिए, और अपलोड उसमें था कितना, उसमें था 39 Mbps, 39.67 Mbps। और
इसमें आ रहा है 53 Mbps, 53.85 Mbps। पता नहीं क्यों क्रोम क्या यूज़ कर रहा है, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है। जब हम मोबाइल हॉटस्पॉट से इसको यूज़ कर रहे थे तो क्रोम उतना अंतर नहीं बुझा रहा था, मतलब उतना कोई डिफरेंस नहीं बुझा रहा था, क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी मोबाइल का नेट बहुत स्लो होता है उसके हॉटस्पॉट। लेकिन अभी हम 50 Mbps के फाइबर पे हैं, तो बेसिकली अभी जो है सो एग्जैक्टली पता चल रहा है कि क्रोम कितना स्लो ब्राउज़र है आप वीडियो स्ट्रीम के मुकाबले या किसी भी चीज़। पता नहीं क्या गलती कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है ऐसा जिसकी वजह से स्लो हो रहा है। चलिए इसी स्पीड टेस्ट को फिर से रन करते हैं। देखिए एक बात है कि क्रोम जो है सो इंटरनेशनल सर्वर ले रहा है स्पीड टेस्ट करने के लिए, जबकि फायरफॉक्स जो है सो बेसिकली इसके आसपास सबसे नज़दीकी का जो सर्वर है जैसे एक्सीटेल जो है बेसिकली, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट हम कुछ देख के आते हैं एक मिनट में। हाँ तो आ गए हम वापस। तो बेसिकली एक्सीटेल जो सर्वर है, ये न्यू दिल्ली का सर्वर है, उससे कनेक्ट किया है डायरेक्ट, मतलब ये नज़दीकी सर्वर को कनेक्ट करता है स्पीड टेस्ट करने के लिए, जबकि क्रोम जो है सो बेसिकली दूर के सर्वर को करता है। देखिए ये speedtest.net का अपना सर्वर है, देखिए न्यूयॉर्क में स्थित, और ये देखिए पिंग इसका कितना आएगा, उसका 4 मिलीसेकंड था, इसका बहुत सारा आएगा, 200-300 आएगा आराम से। अभी तक ये कनेक्ट ही हो रहा है, देखिए कितना स्लो आ रहा है, देखिए 304 पिंग आया, 304 मिलीसेकंड, और स्पीड जा रहा है 4343 Mbps। तो पता नहीं क्यों यही हमको बहुत ख़राब लग रहा है अभी कि फायरफॉक्स जो है सो इससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है स्पीड टेस्ट में, मतलब स्पीड में। और यार कितना डाउनलोडिंग स्पीड कम है, अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा देता है, पता नहीं क्यों। देखिए अपलोडिंग स्पीड उतना धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन उतना भी नहीं बढ़ता, तो पता नहीं क्यों ये डिफेक्ट है। तो आप भी अपने कंप्यूटर पे अगर आपका ज़्यादा इंटरनेट का स्पीड ज़्यादा है, मतलब आप ज़्यादा स्पीड का इंटरनेट रखे हुए हैं, तो आप भी जो है सो कोशिश कीजिए एक स्पीड टेस्ट रन करने का, और इस वीडियो को कमेंट में बताइए कि क्या जो है आपका स्पीड टेस्ट का भी रिजल्ट कुछ इसी तरीके से आया है, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा ताकि दूसरे लोग भी जान पाए कि हाई स्पीड इंटरनेट पे जो है सो बेटर परफॉर्म नहीं करता है बेसिकली आपका क्रोम। तो क्रोम को हम क्लोज कर देते हैं, हमारा फायरफॉक्स जिंदाबाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस।